दोस्तों, अगर आपको भी अपनी पेटीएम की केवाईसी करानी है तो सबसे पहले जान लीजिए कि पेटीएम केवाईसी कराने के लिए आज के यानी कि मौजूदा हालात के अकॉर्डिंग पेटीएम केवाईसी किस तरीके से लोग कर रहे हैं और कौन लोगों की केवाईसी हो रही है। जैसा कि मैं खुद एक पेटीएम केवाईसी एजेंट हूँ, अपने एरिया में केवाईसी वगैरह मैंने हजारों लोगों की है, तो इसकी प्रॉपर जानकारी मुझे होती है कि किस तरीके से लोग बाग वीडियो केवाईसी करके आपको बहुत सारी वीडियो में दिखाते हैं। मैंने भी प्रॉपर वीडियो उसके ऊपर बनाया है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपको पेटीएम के अंदर केवाईसी करनी है या वॉलेट को एक्टिवेट करना है तो इस तरीके से आपको पेज दिखाया जाता है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि पेटीएम की केवाईसी मौजूदा हालात के अकॉर्डिंग अगर आपको करानी है तो आपका पेटीएम वॉलेट मिनी केवाईसी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, मिनी केवाईसी वो होती है जो बैन लगने से पहले पेटीएम को डाउनलोड किया, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया, जब जाकर वो मिनी केवाईसी हो जाता है। और मिनी केवाईसी में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इस तरीके से लोगों ने वीडियो केवाईसी वहां पर करके दिखाई है, क्योंकि उनका मिनी केवाईसी यहां पर हुई हुई है और वीडियो केवाईसी का ऑप्शन उन्हें ही आता है, जैसे कि मेरा यहां पर ऑप्शन आ रहा है। दूसरे केस में अगर आप दूसरा पेटीएम वॉलेट यानी कि नया आपने डाउनलोड कर लिया, अभी डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे जहां पर यह वाला पेज आपके सामने आता है, तो आप सिर्फ पेज फिल कर पाएंगे, लेकिन यहां पर आपको बेनिफिट ये होगा कि पेटीएम वॉलेट जब भी एक्टिवेट होगा, पेटीएम की केवाईसी जब भी शुरू होगी, आप मिनी केवाईसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अकाउंट इस वक्त तो नहीं खुल पाएगा अगर आप नए यूजर हैं। अगर मिनी केवाईसी आपकी हुई भी है तो आप वीडियो केवाईसी यानी कि दूसरे अकाउंट में आप देख सकते हैं, यहां पर आधार से वीडियो केवाईसी कर लेंगे और आपके केवाईसी हो जाएगी, सेविंग अकाउंट भी खुल जाएगा और पेटीएम वॉलेट भी खुल जाएगा। लेकिन अगर आपकी मिनी केवाईसी नहीं हुई भी है तो नए यूजर ये काम जरूर करके रखिएगा कि अपने पेटीएम वॉलेट को अपग्रेड करिएगा। यहां पर सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा पेटीएम वॉलेट, पेटीएम वॉलेट के लिखते के साथ ही आपके सामने यहीं पर सर्च में आ जाएगा पेटीएम वॉलेट, इस पर टैप कर दीजिएगा। जैसे यहां पर टैप करेंगे, यहां पर आप ट्रांसफर इन बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहां से अपग्रेड योर केवाईसी के लिए कहा जाएगा, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहां से आपको भी एक फॉर्म मिल जाएगा। जी हां, यहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, ये वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए फॉर्म है, लेकिन ये मिनी केवाईसी के अंदर आता है। तो यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर आधार कार्ड ही सजेस्ट करूंगा, तो आधार कार्ड का पूरा नंबर नीचे डाल दीजिएगा, उसके बाद पूरा नाम डाल दीजिएगा और यहां पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर दीजिएगा और एक्टिवेट वॉलेट का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और अगर आपको एरर आ जाता है तो बस आपको ये समझ लीजिए कि आपकी मिनी केवाईसी भी नहीं होगी, आपका केवाईसी भी नहीं होगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब तक इंतजार यानी कि केवाईसी से बैन नहीं हटेगा तब तक आपको इंतजार करना जरूरी ही है। बस आज की वीडियो मुझे आपको केवाईसी से रिलेटेड यही बताना था। आई होप आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि केवाईसी करने का और केवाईसी का प्रोसेस किस तरीके से लोग बाग चल रहा है और किस तरीके से हो रही है। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।